हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और काफ़ी हाइप हो गई है जिन लोगों को पता है, जो लोग मेरे इंस्टाग्राम से कनेक्टेड है उनको बहुत अच्छे से पता है कि मैंने मिस इंडिया में पार्ट लिया था एंड मैं उसमें तीन तीन टाइटल्स जीती हूँ, विनर में भी हूँ। सो पहला टाइटल जो मुझे मिला है वो मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन का मिला है मिसेस ब्यूटीफुल में। देन कल्चरल एम्बेसडर ऑफ इंडिया मिला है और फिर मैं हूँ थर्ड रनर अप। आई हैव गॉट टू क्राउन सैश सर्टिफिकेट्स और काफ़ी सारे गिफ्ट। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड लक्की एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर दिस विद यू। और अब मैं आपको बताती हूँ ये जर्नी कैसी रही। तो वो जर्नी दिखाने के लिए मैंने छोटे छोटे क्लिप्स लिए हैं जो मैं इसमें डाल दूंगी, तो आप लोग देख लेना। 3 दिन हमें वहीं होटल में स्टे करना था, 3 दिन कॉम्पिटिशन्स थे। मैं यहाँ करूँ, लाइट अच्छी आ रही है, यस। तो 3 दिन हमने वहाँ होटल में स्टे किया था, 3 दिन की हमारी जर्नी थी, 3 दिन कॉम्पिटिशन्स चले। फर्स्ट डे हमारे नॉर्मल इंट्रोडक्शंस हुए, देन हमारे पर्सनल इंटरव्यूज़ हुए, फिर वॉक की प्रिपरेशंस थी, कोरियोग्राफी थी, देन सेकेंड डे पोर्टफोलियो शूट हुआ, देन हमारा टैलेंट राउंड था उस दिन, और फिर अगेन कोरियोग्राफी, फिटनेस राउंड, ये सारे थे। एंड देन फिर थर्ड डे हमारा फिनाले था जिसमें भी 3 राउंड्स थे। एक डिज़ाइनर राउंड था जहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन देना था, फिर सेकेंड हेरिटेज राउंड था जो मेन राउंड है, जो हार्ट है इस पूरे शो का, वो राउंड था। और उसमें हमें बताना था एक एक कल्चरल साइट लेके, एंड उसके अलावा फिर थर्ड राउंड था फिनाले जो क्वेश्चन आंसर्स राउंड है, जो काफ़ी लोग एक्साइटेड होते हैं इसके लिए, वो सब था। और मेरे इसमें पर्सनल काफ़ी इफेक्ट्स हैं, एफर्ट्स हैं जो मैंने डाले हैं। मैंने जो भी मेरे प्रॉप्स थे, जो हेरिटेज के लिए हमें टेंपल बनाना था, हेरिटेज का टेंपल का थीम था, तो वो जो मेरे टेंपल का प्रॉप था वो मैंने खुद बनाया था, लोगों ने बनवा के लिए, कई लोगों ने प्रिंट करवा के लिए, बट मैंने उसमें से सिर्फ एक फूल प्रिंट करवाया था, फ्लावर, बाकी वो भी टाइम की कमी की वजह से, वरना मैं वो भी बनाने वाली थी। बाकी सारा का सारा प्रॉप मैंने खुद पेंट किया था, बनाया था, एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी। और प्रिपरेशन में बहुत मज़ा आया, इस जर्नी में बहुत मज़ा आया, एंड मेरे ड्रेसेस पे भी मेरा पर्सनल टच था। मेरी जो गाउन थी फिनाले की वो भी मैंने खुद बनाई थी। देन मैंने हमारा फोक राउंड था टैलेंट में, तो मैंने फोक खुद से ड्रेस डिज़ाइन की थी, सारा कुछ मैंने कंतारा पे परफॉर्म किया, कंतारा का जो भूत कोला होता है पंजुर्ली देवा का, वो परफॉर्म किया था, एंड उसकी ड्रेस डिज़ाइन करना, एंड उसके लिए क्राउन मैंने खुद बनाया था क्राफ्ट करके। सो आई वॉज सो हैप्पी, इतना मज़ा आया ना इस जर्नी में, मैं आपको बता नहीं सकती। सो ये जर्नी पूरी मैंने डॉक्यूमेंट की है छोटे छोटे क्लिप्स में, वो मैं इसमें डाल दूंगी। तो आप ये जर्नी 3 दिन की इन्जॉय करो और उसकी प्रिपरेशंस वगैरह सारा कुछ इन्जॉय करो, एंड बस और क्या। ठीक है, आप कोई तो इस तरीके से हमारी ना प्रिपरेशन चल रही थी। 1 महीने तक हमारे सेमिनार्स चले ग्रूमिंग वगैरह के, एंड ये वो ड्रेस है जो मैं फिनाले के लिए बना रही हूँ, गाउन जो थी मेरी, तो उसकी कटिंग और स्टिचिंग डिज़ाइनिंग सब कुछ मैंने खुद किया था, तो ये वो है ड्रेस। हेलो, सो आज है पता नहीं day 3-4 कौन सा है ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर मिसेस हेरिटेज इंडिया। सो आज हम कर रहे हैं ये देखिए, ये जो मेरा ड्रेस बचा है उसको फिनिश, और कल जो मैंने रात को क्राफ्ट्स वगैरह बनाए हैं अपने परफॉर्मेंस के लिए, उसमें से ये बन चुका है मेरा तलवार जिसको लेकर मैं डांस करूँगी, और ये बन चुका है मेरा मुकुट जो थोड़ा सा अधूरा है, अभी दिख रहा होगा आपको दूर से। सो ये थोड़ा चौड़ा बन गया, कुछ ज़्यादा ही मेरे सिर के नाप से, बट इट्स ओके, हम अभी उसको वायर वगैरह लगा के सेट करेंगे। ये मेरी ड्रेस हाफ रेडी है, इसमें काम बाकी है, सो इसके लिए हम काट रहे हैं बुकरम जिससे हम ड्रेस का बॉर्डर स्टिफ कर पाएंगे, एंड सो जित इज़ हेल्पिंग मी। हम लोग अभी शॉपिंग करके आए हैं काफ़ी सारी, ये सामान आप देखोगे इतना सारा क्राफ्ट का सामान है यहाँ पे, ये सब तो काफ़ी कुछ हो रहा है और चल रहा है। और हम लोग दोनों इस रूम में बैठे हैं, उस रूम में मधुमक्खियों ने आतंक फैला दिया है, और हमारे रूम में 6-7 मधुमक्खियाँ आ गई हैं जिनको भगाने के लिए अभी मैंने धुआं करने के लिए से वो रख के आई हूँ मैं, वो हवन कप्स जो होते हैं उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल के मैंने रख दिया है ताकि उससे थोड़ा धुआं हो और मधुमक्खी भाग जाए, बट 6-7 मधुमक्खियाँ हैं, तो जब तक वो लोग वो रूम नहीं छोड़ती हैं, चेकआउट नहीं मारती हैं, तब तक हम लोग इसी रूम में डेरा जमा के अपना काम खत्म करते हैं। ये मैं लेके आई हूँ बड़ा सा कार्डबोर्ड जिसमें मुझे बनाना है हेरिटेज राउंड के लिए स्ट्रक्चर जो हम खुद बना रहे हैं। पहले मैंने सोचा था बनवा लूँ लेकिन वो बहुत कॉस्टली है, 15-20 हज़ार रुपये मांग रहे हैं वो उसके,
एंड आई थॉट ये मैं ही बना लूँगी, तो मेरा खुद का एक टच भी रहेगा, मेहनत भी रहेगी, तो मुझे और ज़्यादा मज़ा आएगा उसको प्रेजेंट करने में. तो ये भी एक थॉट था जो मुझे ओवर पावर कर रहा था, और उसके बाद जब मैंने प्राइस सुना तो मैंने सोचा खुद ही बना लेते हैं. हाँ, वैसे कि हम लोगों ने इसमें ऑलरेडी 3-4 हज़ार रुपये तो लगा ही दिए हैं अभी तक सामान लाने में, एंड आई एम नॉट श्योर कितना सामान अभी आना बाकी है, बट हमारे हिसाब से तो सारा सारा आ गया है. अब हम देखते हैं कितना टाइम लगता है ये सारा कुछ बनाने में. कल वो दो चीज़ें बनी हैं रात को 4 बजे तक, आज ये ड्रेस का है और ये है, तो जितना हो सकता है हम अभी करेंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 दिन बाकी है. आज 28 हो गई है, 28 ख़त्म हो गई है, रात के 10:30 बज रहे हैं, अब हमारे पास बज रहे हैं 29 और 30. तो ये 2 दिन में मुझे ये सारी चीज़ें फिनिश करनी है, पैकिंग करनी है. मैंने अभी तक अपने फुटवेयर्स नहीं देखे हैं, मेकअप का थोड़ा बहुत सामान मैं अभी लेकर आई हूँ, कुछ चीज़ें मेरे पास नहीं थी वो रिफिल करने के लिए. सो इन शॉर्ट बहुत सारी चीज़ें बाकी है, बाद में बात करती हूँ. ये मैं चल रही प्रिपरेशन, वो बन रहा है क्राउन कंतारा वाला, और ये बन रहेगी तलवार, क्योंकि मैं एक्ट करने वाली हूँ कंतारा वाला, जो कि हमने अभी अभी डिसाइड किया है बहुत लास्ट मोमेंट पे. और ये मेरा पूरा घर ये सब करने के चक्कर में इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ. वो ड्रेस जो मैं रेडी कर रही हूँ, ये क्राफ्ट का सामान, और ये सिर्फ हेल्पिंग मी आउट, ये सजेस्ट हेल्पिंग मी आउट. ठीक है, तो हम कंटिन्यू करते हैं अब. सो हेलो एवरीबडी, आज पता नहीं कौन सा डे है, डे 5, 6, 7, 8, 9 ऑफ प्रिपरेशन, आई डोंट रिमेम्बर, बट कल मेरा कॉम्पिटिशन है एंड स्टिल बहुत सारी चीज़ें बाकी है. कल रात को बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं 4 बजे ही सोई हूँ, कांट डू एनीथिंग इन दैट. मुझे लगा था हेल्प हो जाएगी, बट नहीं, उतना ही टाइम लगा क्योंकि बहुत काम बाकी हुई है, बाकी पड़ा हुआ है, स्टिल बाकी पड़ा है, क्योंकि हम खुद से प्रॉप्स बनाने का डिसीजन जो मैंने लिया है, हाँ, वो बहुत हेक्टिक है. आप मेरी शक्ल देख सकते हो, 4-5 दिनों में डार्क सर्कल्स आ गए हैं. कल मेरा ब्यूटी पेजेंट का कॉम्पिटिशन है और मेरी शक्ल देखो, और मैं पार्लर तक नहीं गई हूँ अभी, प्रिपरेशन में मेरी हालत ख़राब हो गई. मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखाती हूँ कितनी चीज़ें बन गई हैं और कितनी चीज़ें रिमेनिंग है उसकी, एंड बाकी ये पैकिंग हो रही है. कपड़े यहाँ पड़े हुए हैं, आधे अटैची में हैं, मेकअप का सामान और काफ़ी सारी चीज़ें मुझे भी निकालनी है. एक्चुअली मुझे लगा था यूजुअली हमें कहीं जाना होता है या दो चीज़ें डालो चले जाओ, बट बिकॉज हमें पेजेंट में जाना है एंड वी हैव टू प्रेजेंट आवर सेल्फ एज अ मॉडल ओनली, तो उस तरीके से रहना, उस तरीके से अपने आप को कैरी करना, सब कुछ बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें वर्कशॉप्स में सिखाया गया है पिछले 20 दिनों में. सो जर्नी इज़ वेरी ब्यूटिफुल, एक्चुअली बहुत मज़ा आया मुझे इस पूरी जर्नी में. अब देखते हैं रिजल्ट क्या होने वाला है, मैं आपको एक झलक दिखाती हूँ मेरी तैयारियों की, और फिर कल से हम वहाँ जाके वहाँ से वीलॉग करेंगे. तो आई एम एक्साइटेड, और आप सब मेरे को बेस्ट ऑफ लक विश करो, क्राउन लेके आना है. हम इससे जा रहे हैं राक्षसों का संहार करने. गदा है मेरी, अभी गेस करो कौन सी देवी के पास गदा होती है. टास्क है ये सभी लोगों के लिए जो स्टोरी देख रहे हैं. 1000 साल पुराना मंदिर है मेरे छत्तीसगढ़ में, माँ ममलेश्वरी का ये मंदिर है. वो बड़ा वाला चाहिए.
नमस्ते, मेरा नाम जया पाठक है, कंटेस्टेंट नंबर 4। मैं मार्केटिंग प्रोफेशनल होने के साथ साथ पढ़ाने की इच्छा रखती हूँ, इसलिए पार्ट टाइम प्रोफेसर भी हूँ। डांस, म्यूजिक, सिंगिंग और एक्टिंग का मुझे बहुत शौक है। इसी के चलते डांस के क्षेत्र में मैंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया है। बहुत खुशी के साथ आपको बताना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी में भी मेरा उतना ही इंटरेस्ट है, इसीलिए मैं वेद पढ़ने का शौक रखती हूँ। चारों वेदों में से पहला वेद अथर्ववेद मैंने आधा पढ़ा है। आगे मैंने गीता पढ़ी है जो मैं अभी पढ़ रही हूँ। रामायण पढ़ने की मैं इच्छा रखती हूँ। काफी सारे सोशल कॉसेस से मैं जुड़ी हुई हूँ जो मुझे एक पहचान देता है और आगे भी मैं यही कंटिन्यू करना चाहती हूँ। लोगों में प्यार बांटना मेरा शौक है। यहाँ पर भी मैं आज प्यार बांटने और आप सबका प्यार बटोरने आई हूँ। शुक्रिया। जोरदार तालियां। शौर आपको। Ladies and gentlemen, the fourth runner-up and the cultural ambassador of